क्या बात है गुरु प्रताप? गुरुवर, न जाने क्यों हम अपने परिवार को लेकर तनाव अनुभव कर रहे हैं। इतने महीने हो गए, हमें कोई समाचार नहीं मिला वहाँ का। अंतिम समाचार भी जो मिला था उसमें हमारे दासीराज की युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने की सूचना थी। उस समय भी हमारी रानी माँ, छोटी माँ, मंजली माँ, इन तीनों का भी समाचार नहीं था गुरुवर। तब तो हमें शीघ्र ही चित्तौड़ पहुँच जाना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए गुरु प्रताप, हमें पूरा विश्वास है कि आपके परिजनों का शुभ समाचार हम तक मार्ग में ही कहीं पहुंच जाएगा। कोकोयाजी के बलिदान को आप एक एक मात्र दासी धर्म कैसे कह सकती हैं धीरभाई जी? हाँ, और वैसे भी वो कोई सैनिक तो थी नहीं जिन्हें मृत्यु का भय नहीं होता है। तो आप सबको क्या लग रहा है, हमारा मन नहीं दुख रहा? हमारी छाती नहीं फटी जा रही? हम अपने तीस को अपने ही मन में दबा कर रख रहे हैं ताकि जब कुंवर प्रताप लौटे तो हमें हंसता हंसता पाए, युद्ध में विजय होकर चित्तौड़ लौटे तो अपनी रोती बिसुरती माए ना देखे। भव्य स्वागत करना चाहते हैं हम कुंवर प्रताप का। आंखें तरस गई हमारी। धीरभाई जी, आप जब भी ऐसी बात कहती हैं हमें लगता है कि हम सबके वियोग को आप शब्द दे रही हो। इसलिए हमने तय किया है कि हम तत्काल चित्तौड़ के लिए प्रस्थान करें ताकि कुंवर प्रताप जब वापस लौटे तो हम उनके स्वागत के लिए वहां पर उपस्थित हों। क्या बात है जयंतभाई जी, आपको हमारी बात अच्छी नहीं लगी? तो ठीक है, अगर आप कहें तो हम कुछ और दिन यहाँ बिचौलिया में रुक सकते हैं। नहीं नहीं राणा जी, हम चित्तौड़ जाएंगे। लगता है बिचौलिया में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में राणा जी अभी तक कुछ नहीं जानते। बस अब हमें ये देखना है कि आगे भी ऐसा ही हो। ये तो हम जानते हैं रावत जी कि सहस्त्र सैनिकों के सेना के उपरांत मिली पराजय से बैरम खान कभी उबर नहीं पाए, परंतु हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं जिससे ये युद्ध लगभग हमारे हाथों से निकल चुका है। उदाहरण के तौर पर राव सुल्तान को एक ऐसे पता चला कि हमारी रानियां और मेवाड़ का राजकोष मेवाड़ में नहीं बिचौलिया में। इसलिए राव सुल्तान के अपने सेना सहित बिचौलिया पहुंचने से हमारा युद्ध से ध्यान भंग हो गया। इसलिए बजाय बैरम खान के विरुद्ध कुंवर प्रताप का साथ देने के हमें कुंवर प्रताप को अकेले ही बैरम खान के साथ युद्ध करने के लिए छोड़ना पड़ा। वैसे एक बात कहें रावत, कुंवर प्रताप के स्थान पर अगर कोई भी होता, चाहे हम ही क्यों ना हो, आज सब कुछ खो चुके होते। समूचे राज्य की रक्षा का भार कभी एक व्यक्ति पर नहीं आना चाहिए। राणा जी, हम स्वीकार करते हैं कि इस बार युद्ध के समय जो स्थितियां बनी ऐसी परिस्थितियां भविष्य में पुनः कभी नहीं बनना चाहिए। रावत जी, हम चाहते हैं कि आप इस पूरे युद्ध की समीक्षा करवाइए, पता लगवाइए कि कहां कहां कमी रह गई हमारी व्यवस्था में और हमारे सुरक्षा कवच कहां कहां छिद्र थे। पूरा आंकलन होना चाहिए इन सब बातों का रावत जी। राणा जी, हमने पहले ही जांच समिति का गठन कर दिया और ये जांच समिति अतिशीघ्र इस युद्ध के संदर्भ में अपनी समीक्षा हमें बता दे। भौजीराज, हमने कहा था ना यहाँ कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी। देखिए, हम लगभग पहुंच ही गए, वहां सब ठीक ही लग रहा है।
दुर्ग के बाहर इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ गए सारे लोग, सारे द्वारपाल? कोई सैनिक भी नहीं है यहाँ पे। हो सकता है वे सब गांव में गए हो, तलहटी में। कुंवर प्रताप और उनके परिजनों को करिए बेना, इतनी देर तक खीर ही पकाती रहेंगी क्या? अभी तो 56 भोग बनाने हैं। आप चिंता मत कीजिए सच्चा चीचा, आज हमारे हृदय में कुंवर प्रताप के लिए जो प्रेम उमड़ रहा है ना, उसमें बहुत शक्ति है। हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि कुंवर प्रताप जैसा पुत्र देखो, जीजा ने तो हमें धन्य ही कर दिया। कुंवर जगमाल को ही देखिए, वो कितने ही प्रयत्न क्यों ना करे, पर कुंवर प्रताप के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं बन सकते। और कैसे बन पाएंगे? उन्होंने तो हमारे जैसी साधारण स्त्री की कोख से जन्म लिया है, जयवंता जीजा जैसी महान स्त्री की कोख से नहीं। वाह बेना वाह, क्या बात है! आज ये सूरज पश्चिम से कैसे निकला? जीजा के लिए आपके मुख से इतना आदर, इतना प्रेम। प्रेम और आदर तो पहले से ही था, पर बिचोलिया में जो जीजा ने हमें संकट से बचाया, उसके बाद जीजा के लिए हमारे मन में आस्था और भी दृढ़ हो गई है। हम जानते हैं धीरभाई जी, आपको ये चिंता मन ही मन खा रही है कि कहीं बिचोलिया की सारी बातें हम राणा जी से ना कह दें। चिंता मत कीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। सच कह रही हैं आप जीजा? हाँ, क्योंकि हमारा ये राज परिवार स्नेह और विश्वास के धागे में बंधा रहे,
इसके लिए हम कोई भी मूल्य चुका सकते हैं। रानी सर, बाबूजी राज प्रताप आ गए हैं। कुंवर प्रताप आ गए? तो यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाके पूजा का थाल तैयार करो, जाओ जल्दी। आपको इतना व्याकुल होने की कोई आवश्यकता नहीं है धीरबाई जी। प्रताप के लिए पूजा का थाल हमने तैयार कर लिया है। आपके लिए चिंता करने वाली कोई बात नहीं। हमारा तो यह सुझाव है कि जब तक हम रावत जी से मिले तब तक आप जाकर अपनी माताओं से मिल लीजिए, उनका मन भी शीतल हो जाएगा। जी राजा जी। धीराज प्रताप की जय। 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 धीराज प्रताप की जय।
सोचा भी ना। कहाँ है कुंवर प्रताप? हमें देख नहीं रहे हैं। जीजा, पहले आप अपने आंखों से आंसू तो पोछिए। आंखों से आंसू हटेंगे तभी तो आपको दिखेंगे कुंवर जी। ठीक कहा आपने सच्चा में, किंतु इस शुभ अवसर पर हम माँ बेटे के बीच ही आंसू क्यों आ रहे हैं? यदि अगली बार महल से इतने दिनों के लिए दूर जाना हो तो हमें भी साथ ले चलना। छोटी माँ, अब हम आ गए हैं ना, तो समझ लीजिए अब से सारा समय आपके और जगमाल के नाम। सूख के कांटा बन गए हैं आप। इसके लिए तो आपको हर दिन हमारे लिए खीर बनानी पड़ेगी। आपने इस बार युद्ध भूमि में कैसे शौर्य दिखाए, कैसे नए नए मानदंड बनाए, हमें बताएंगे नहीं। क्या हुआ, कैसे हुआ, बताइए ना अपनी छोटी माँ। छोटी माँ, यदि आप बुरा ना माने तो इस समय हमारे मन में एक ही इच्छा है कि हम अपनी आंखों से जी भर के अपनी रानी माँ को देख ले। उसके बाद आप जो सुनना चाहती हैं हम आपको बताएंगे छोटी माँ, परंतु इस समय हमें अपनी रानी माँ से मिल लेने दीजिए। रानी माँ, आप हर पल हमारे साथ थी, हर पग पे। यदि आप हमारे साथ ना होती तो हम कुछ नहीं कर पाते। ऐसा मत कहिए प्रताप, माँ का आशीर्वाद पुत्र के साथ सदैव रहता है। हमें तो लगता है बहना, कुंवर प्रताप की वादी जयवंता जीजा भी उतनी ही महान है। आपको नहीं लगता धीरबाई जी? बच्ची, हो क्या क्या है आपको? हमने आपसे पता लगाने के लिए कहा था कि मालूम कीजिए राव सूरतन को हमारे गुप्त राजकीय सूचनाओं के बारे में कैसे जानकारी मिली। आप कह रहे हैं कि आपने इस दिशा में काम भी किया, जांच भी की और उस दोषी का नाम भी आपको पता है, किंतु आप उस दोषी का नाम हमें नहीं बता सकते। क्यों रावत जी, उत्तर दीजिए। क्या वो व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है, हमसे भी अधिक महत्वपूर्ण? ऐसी बात नहीं है राणा जी, हम मात्र इतना कहना चाहते हैं कि जिस किसी ने भी ये किया है वो अनभिज्ञता में किया है, इसलिए जाने दीजिए। आप हमारे धैर्य की और परीक्षा मत लीजिए रावत जी, नाम बताइए उस दोषी का। राणा जी, हमने वो पत्र भी ढूंढ लिया है जो उस राव सूरतन ने आपके नाम से बिजोलिया भेजा था। रावत जी, राव सूरतन हमारा प्रतिहारी बनकर हमारे खेमे में रुका हुआ था, इसलिए हमारी राजमुद्रा का अगर उसने प्रयोग किया है तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। हम ये जानना चाहते हैं कि उसने वो पत्र बिजोलिया में किसको लिखा था और क्यों लिखा था और उस पत्र में क्या लिखा गया था। राणा जी, हमें एक पत्र मिला है जो बिजोलिया के महलों से भेजा गया है। महारानी सा द्वारा। महारानी सा की ओर से? परंतु हमने जयवंताबाई जी को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि युद्ध काल में कोई भी किसी के साथ
सुरक्षा के लिए पत्र व्यवहार नहीं करेगा। फिर क्यों लिखा उन्होंने ये पत्र? राणा जी, ये संदेश पत्र आपके लिए ही भेजा गया था, किंतु दुर्भाग्य से ये राव सुरतन के हाथ में पड़ गया और उस दुष्ट ने इसी बात का लाभ उठाकर आपके नाम से ये संदेश पत्र बिजोलिया भेज दिया, ताकि उस दुष्ट को बिजोलिया पर आक्रमण करने में आसानी हो सके। रावत जी, हमें राव सुरतन का पत्र दिखाइए। ये लीजिए राणा जी।